गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, वेलकम टू क्लास 6. इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट द ऑब्क्यूट ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. टुडे आई विल टीच यू ट्रांसपेरेंसी. ओके, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. एक्टिविटी 6. टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब. एक पेपर लेंगे, एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, उसको एक लाइटेड बल्ब में देखेंगे. मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और फिर उसके ऑब्जर्वेशन करेंगे. तो नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर. और उस पर कुछ 2-3 बूंद ऑयल की डालेंगे, उसको फैला देंगे. लुक अगेन टूवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड. फिर जहाँ पर हमने 2-3 बूंद तेल डाला था, उस पोर्शन को हम फिर बल्ब में देखेंगे. डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर? तो हम ये देखेंगे कि क्या हम ये पाते हैं कि हमको पहले जो बल्ब में क्लियर दिख रहा था, तो ऑयल डालने के बाद वो क्लियर दिखता है. बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? क्या तुम क्लियरली उस ऑयल पेपर को देख सकते हो? इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल? परहैप्स नॉट. क्या आपको दूसरे साइड कुछ दिखता है? द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल जो देखने पर दिखते तो हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखते, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट. रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट. ये याद करिए, जो ऑयली पैच पेपर पे था उसको हम टेस्ट करते हैं किसके? फूड के, फूड आइटम्स के, उसमें फैट के टेस्ट में, प्रेजेंस में. वी टेस्ट That for translucent too. ये भी एक translucent था. Can you think of some more example of translucent material? क्या कुछ ज़्यादा example, कुछ और example भी आप translucent material के दे सकते हैं? We can therefore group material as opaque, transparent and translucent. हम इसलिए एक ग्रुप मटेरियल्स बनाते हैं ऑब्क्यू ऑब्जेक्ट का, ट्रांसल्यूसेंट का एंड ट्रांसपेरेंट का. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ ए टॉर्च विद योर पाम एट ए डार्क प्लेस. पहली क्या करती है कि एक अंधेरे रूम में एक ग्लास के, एक टॉर्च के ऊपर अपने हाथ को रखती है. स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. और फिर टॉर्च का स्विच ऑन करके वो देखती है हाथ के दूसरे साइड पर. शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ऑब्क्यू, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट. वो देखती है, वो जानना चाहती है कि ये जो आपके हथेली है हाथ की, वो ऑब्क्यू है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है. वी लर्न दैट मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स. हमने सीखा कि कुछ मटेरियल्स अपनी बनावट में अलग होते हैं, और वो कुछ जो होते हैं वो वाटर या लिक्विड फॉर्म में होते हैं. दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ऑब्क्यू और ट्रांसल्यूसेंट. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाटर के ऊपर तैरती हैं, फ्लोट करती हैं, और कुछ डूब जाती हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, ऑब्क्यू भी और ट्रांसल्यूसेंट भी. मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज. मटेरियल को हम उनकी समानता के आधार पर एक ग्रुप में, मटेरियल को बेसिस के आधार पर ग्रुप बना सकते हैं, और डिफरेंसेस इन देयर, उसके गुण और उसकी समानता के आधार पर उसको हम अलग कर सकते हैं. व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल? हमें ग्रुप मटेरियल बनाने की क्या आवश्यकता होती है? इन एवरी डे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल फॉर अवर कन्वीनियंस. हम ग्रुप क्यों बनाते हैं मटेरियल का? अपने कन्वीनियंस के लिए. एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर. ज़्यादातर हम घरों पर एक जैसे सामान को एक जगह पर
स्टोर करते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजली। इससे क्या होता है कि हम उस जगह को आसानी से देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है। सिमिलरली ए ग्रोसर यूजअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, ऑल सोप्स एट अनदर, वाइल ग्रीन्स एंड पल्सेस आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेस। जैसे एक शॉपकीपर है, एक ग्रोसर है, वो क्या करता है कि जहाँ जो बिस्किट्स के टाइप्स होते हैं उनको अलग कॉर्नर में रखता है, जो ग्रेन्स होती हैं पल्सेस उनको अलग कॉर्नर पे, और जो सोप होता है वो अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे रखते हैं। देयर इज ए अनदर रीज़न, इसका एक दूसरा कारण है वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, हमारे लिए ये क्यों आवश्यक है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज। हम उसको अलग अलग रखते हैं इसलिए क्योंकि वो हमको उनके गुण जानने में, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाती है कि आराम से हम पहचान जाते हैं कि कौन सा सामान है उसके कौन से गुण हैं। यानी जिसमें एक तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है वो चीज़ें हम एक जगह रखेंगे। We will study more about this in higher class. अब हम इससे ज़्यादा study इसके higher class में करेंगे, okay? इसके बारे में You understand children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.